सुजानपुर टेहरा में शाम किस्त में थाना प्रभारी सतपाल शर्मा द्वारा मुख्य बाजार का निरीक्षण करके सुनिश्चित किया गया कि लोग मास्क लगाकर ही सुजानपुर बाजार में घूम रहे हैं। दुकानदारों को भी मास्क लगाकर सामान बेचने के लिए जो गाइडलाइन उपायुक्त हमीरपुर के द्वारा जारी की गई है उनकी पालना की जा रही है कि नहीं, जिसके लिए उन्होंने मुख्य बाजार का दौरा किया और मास्क ठीक ढंग से न पहनने वालों को भी गांधीगिरी से समझाया कि मास्क को मुंह और नाक ढक कर रखना चाहिए ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और बस चालकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को एक एक करके ही सामान वितरित करें, दुकान में भीड़ नजर ना आए और बस चालकों को बताया कि 50% सवारी के साथ ही बस चलाएं। उन्होंने दुकानदारों को बताया कि आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही दुकानदारी खोल सकते हैं। शनिवार और रविवार को दुकान बंद रहेगी, जिसमें केवल दूध, ब्रेड, मीट और सब्जी की दुकान ही खुली रहेंगी। लेकिन उन्होंने बताया कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी पड़ेगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बेवजह लोग सार्वजनिक स्थानों की तरफ रुख ना करें, जितना संभव हो भीड़ से बचें ताकि COVID-19 महामारी से बचा जा सके। आम लोगों को पता है कि कोरोना जो है उसको चलो एक साल से ऊपर हो गया, और जो कोरोना की जो दूसरी स्टेज चल रही है ये बहुत घातक है। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो प्रशासन ने सब बातों को मद्देन रखते हुए नई गाइडलाइंस जारी करी है। तो हमारा सब जनता से आग्रह रहेगा कि सरकार की ने जो नई गाइडलाइन जारी हुई हैं उनका पालन करें। विशेषता है जो मास्क लगाना है वो प्रॉपर लगाएं, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, उसके नाक मुंह को ढक के रखें, मास्क को ऐसे नहीं ठुड्डी पे लगा के चल पड़ना है। बाकी रही दुकानों की बात, तो कल से 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन उसको जो डेली नीड्स की हैं वो खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी, दुकानें बंद रहेंगी, और जो डेली नीड्स वाली चीज़ें जैसे अंडा है, मछली है, दूध है, ये वाली दुकानें खुली रहेंगी। और बसेस में भी जो है 50% सवारियाँ सफ़र करेंगे, इसके लिए भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है।